आईजेई मेन 2024 का सिलेबस आ गया है और खुशखबरी चैप्टर्स डिलीट हो गए हैं, सिलेबस कम हो गया है, लोग बड़े खुश हैं। कई बच्चों ने कहा कि आप भी इसको बताएं एग्जैक्टली हो क्या रहा है, आपकी क्या इस पे कमेंट्स हैं, कुछ टिप्पणी हैं। लिस्ट तो आपके सामने प्रस्तुत है, सब लोग दे ही रहे हैं, लेकिन सबसे पहले आप दुष्यंत कुमार का एक शेर सुनिए। व्हाट शेर, कहां से आ गया? सुनिए आप जी। रोशन हुए चिराग तो आंखें नहीं रही, ये कमेंट है इन लोगों के ऊपर। और आजकल क्या आप लोग मोबाइल वोबाइल ज्यादा देखते हैं, हिंदी कम पढ़ते हैं, तो शायद समझा भी दूंगा क्या है। वैसे बहुत सिंपल शेर है, सुनिए मजा आएगा, और जिनको न समझ में आए समझा भी दूंगा। रोशन हुए चिराग तो आंखें नहीं रही, अंधों को रोशनी का गुमा और भी खराब। एनईपी आई, नई रोशनी आई, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। रोशन हुए चिराग, पहले तो अंधेरा था, तो आंखें नहीं रही। अब लाइफ की ट्रेजेडी देखिए कि जब अंधेरा था तो दिख ही नहीं रहा था, और जब कहीं से चिराग जल भी गए तो अपन ही अंधे हो गए। सो मैं नहीं अंधा हो रहा हूं, यहां तो इनकी बात कर रहे हैं, वो देवता जो अपने आप को भगवान से कम नहीं मानते और सिलेबस सेट करते हैं, उनकी बात हो रही है। रोशन हुए चिराग तो आंखें नहीं रही, अंधों को रोशनी का गुमा और भी खराब। अंधा किसको बोला? जिसकी आंखें ना हो। मतलब ये अच्छा शब्द नहीं है, लेकिन मतलब पूरी नम्रता के साथ मैं बोलना चाहता हूं कि अब यहां कवि क्या कह रहा है भाई, अगर किसी को आंखों का कष्ट है, दिक्कत है, और उसको पता है कि मुझे दिखाई नहीं देता, तो संभल के चलता है, टटोलता है, आवाज देता है, मदद लेता है, गाइडेंस ले लेता है, तो सुरक्षित रहता है, कोई दिक्कत नहीं, और दूसरों के लिए भी सुरक्षा में कोई सेंध नहीं लगाता। पर अगर उसे गुमान हो जाए, उसे वहम हो जाए, उसे ये घमंड हो जाए कि मेरे को दिखाई भी पड़ रहा है, जबकि उसे हकीकत में दिख नहीं रहा है। अंधों को रोशनी का गुमा और भी खराब, तो ये और सत्यनाशी है। क्यों? कबीर कह गए हैं, जाता गुरु भी अंधला, चेला खरा निरंध, अंधे अंधा ठेलिया दुनिया को पड़त। जिसका गुरु अंधा हो, चेला तो महाअंधा होगा। एक अंधे ने दूसरे अंधे को रास्ता दिखाया और दोनों जाके कुएं में गिर गए। इसका नए सिलेबस से कैलेंडर है, अभी देख लीजिए। ऐसे ऐसे देवता बैठे हैं सिलेबस सेटिंग कमेटी में, मैं उनको नमस्कार करता हूं। बहुत मैं नमस्कार कर रहा हूं, कोई मजाक नहीं उड़ा रहा। कबीर और दुष्यंत कुमार को आपकी सेवा में प्रस्तुत कर दिया मैंने, भगवान से कम तो आपकी हैसियत है ही नहीं। स्टेट्स ऑफ मैटर, गैसियस स्टेट जैसा मोस्ट फंडामेंटल चैप्टर इन्होंने उड़ा दिया। ठीक है, उड़ा दो तो फिजिकल केमिस्ट्री ही उड़ा देते हैं, नहीं वो रखिए। अब आप देखिए पीवी को एनआरटी, बॉयल्स लॉ, जो बेसिक्स थे वो तो आपने हटा दिए, लेकिन जब ये थर्मो में यूज होगी तो आप ये एक्सपेक्ट करके चलेंगे कि ये हमें आती हो, इसका मतलब पढ़नी तो पड़ेगी, है ना। फिर जब ये काइनेटिक्स में यूज होगी तब आप एक्सपेक्ट करेंगे कि हमें आती हो, पढ़नी तो पड़ेगी। जब ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कहीं काम आनी है तब आपको एक्सपेक्टेशन होगी कि ये हमें आता हो, क्योंकि पढ़नी तो पड़ेगी इसे ही। तो आपने जब थर्मो नहीं हटाई, इलेक्ट्रो नहीं हटाई, काइनेटिक्स नहीं हटाई, केमिकल इक्विलिब्रियम नहीं हटाया, वो सारे चैप्टर जिनमें ये चैप्टर लगता है वो नहीं हटाया, तो मेरे बाप तुमने ये नीचे का जो फंडामेंटल सबसे बेसिक चैप्टर था उसको क्यों उड़ा दिया यार? इस पाखंड का, इस नॉनसेंस का अर्थ क्या है? अंधों को रोशनी का गुमा और भी खराब। अब स्टूडेंट्स कह रहे हैं चलो ठीक है, वो आपने कमेंटबाजी कर ली, पर हम क्या करें, पढ़ें या ना पढ़ें? तो भाई पढ़ो, क्योंकि ये नहीं पढ़ोगे तो आगे के चैप्टर कैसे पढ़ोगे? एबीसीडी नहीं पढ़ी, अब सिलेबस में तो एबीसीडी है ही नहीं, तो क्यों पढ़ें हम? अब वे उसके आगे कविता तो है वर्ड्सवर्थ की सर, हाँ वो तो बोर्ड के सिलेबस में है, हाँ तो वो पढ़ेंगे, लेकिन एबीसीडी नहीं आती होगी तो कैसे पढ़ेंगे मेरे भाई? तो ये तो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो डिलीट भले कर दिया हो, पर यू हैव टू स्टडी दिस। इसमें ये जरूर कर सकते हो कि रियल गैसेस छोड़ दो, क्योंकि रियल गैसेस तो सिर्फ रियल गैसेस में ही आती हैं, तो उसके जो डीपर कॉन्सेप्ट्स हैं वो चाहे तो छोड़ सकते हो, पर आइडियल गैस इक्वेशन तो ढंग से ही करनी पड़ेगी। ठीक है, सरफेस केमिस्ट्री, अच्छा उस पर भी आऊंगा। हाइड्रोजन एस ब्लॉक और मेटलर्जी भी त्यागी है। अब ये बहुत ही फनी डिलीशन है। फनी क्या है? या तो आपको कोई हुक्म मिला था किसी आका से कि भैया 6-7 चैप्टर डिलीट कर दियो, तो आपने कर दिया आंखें बंद करके, है ना। लेकिन आप ये देखो,
अगर आपको केमिस्ट्री की थोड़ी थोड़ी इतनी सी भी समझ है तो मान लो मैं कहता हूं NaOH है। अब ये NaOH कहां रखोगे तुम? NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, S ब्लॉक में सोडियम है, H हाइड्रोजन है, O ऑक्सीजन जो है वो P ब्लॉक में है। अब NaOH जैसा मोस्ट फंडामेंटल अल्कली जो केमिस्ट्री की जान है, आप उसे उड़ा तो सकते नहीं सिलेबस से, कहीं तो आएगा इसे ही। अच्छा, अब अगर किसी रिएक्शन में NaOH आ गया तो आप क्या बोलोगे कि क्योंकि सोडियम और हाइड्रोजन नहीं है सिलेबस में तो हम इसको न लेंगे, या ऑक्सीजन है तो उसको ले लेंगे क्योंकि पी ब्लॉक तो है। सच तो यह है कि पी ब्लॉक के आधे रिएक्शन में NaOH आता है तो आएगा। तो वो सारे रिएक्शन जो एस ब्लॉक में NaOH के रिएक्शन पढ़ाते थे, अब वो पी ब्लॉक में ऑक्सीजन फैमिली भी आ जाएंगे, पढ़ाने तो पड़ेंगे। सॉल्वेज प्रोसेस, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। अब सोडियम और हाइड्रोजन तो एस ब्लॉक और हाइड्रोजन हो गए, कार्बन और ऑक्सीजन तो पी ब्लॉक हो गए। तो पहले इसे एस ब्लॉक में पढ़ाते थे, अब कार्बन के नाते पी ब्लॉक में पढ़ा देंगे। क्यों? क्योंकि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, तो पेपर सेटर्स के पास बहाना तो है ही कहने का कि भैया ये तो पी ब्लॉक में तो है ना, तो आना चाहिए तुमको। अरे पर कंपाउंड, जब कंपाउंड बनते हैं सर तो एस और पी ब्लॉक के मिला के ही बनते हैं ना। हाँ बिल्कुल, और डी ब्लॉक के भी। तो जब एस पी डी एफ ब्लॉक सारे ही जिसमें पी ब्लॉक डी ब्लॉक एफ ब्लॉक सिलेबस में है, तो अकेले एस ब्लॉक से तो कोई कंपाउंड ही नहीं बनता बाप, सिर्फ लिथियम हाइड्राइड या लिथियम सोडियम हाइड्राइड छोड़कर, जो कि वैसे ही कुछ काम का नहीं है, सिलेबस में नहीं आता। तो मुद्दे की ये बात है कि कुछ भी नहीं उड़ा है, ये सारे रिएक्शन जो इनके उड़ाए थे वो पी और डी ब्लॉक के बहाने आ जाएंगे, कभी भी गले पड़ जाएंगे। तो इसका आप हो सकता है कहें कि नहीं हम इसको नहीं पढ़ना चाहते। हाइड्रोजन में एक छोटा सा दो एक पैराग्राफ है, एक या दो पैराग्राफ है जिसके हैवी वाटर का, कि हैवी वाटर की आइस जो है वो पानी में डूब जाती है, ब्ला ब्ला ऑल दैट नॉनसेंस, दो तीन सेंटेंस हैं, चाहे तो उनको छोड़ दो, इसके अलावा कुछ भी नहीं छूट रहा, सब है, बेवकूफी की बात है। तो पढ़ना पड़ेगा आपको। मेटलर्जी निकाल दी, बड़ा अच्छा किया, ठीक है। वैसे तो मेटलर्जी बच्चों को पसंद आया, दीदी छोटा चैप्टर था, टफ नहीं था। पर मेटलर्जी में रिएक्शन किसके हैं बाप? डी ब्लॉक के। ये बार बार ऐसी लैंग्वेज की यूज कर रहे हो तुम, बाप बाप बोल रहे हो, चिड़ मची हुई है। ऐसे फूहड़ पने के काम जब नेशनल लेवल के महान ज्ञानी लोग करते हैं ना, तो एक बार दिमाग का दही होते मन करता है गालियां दो। अब वो तो दी नहीं जा सकती, तो हम शेर शायरी कर रहे हैं, अपनी खींच को दबा रहे हैं, और ये जो अननेसेसरी जो क्यों करने की जरूरत क्या थी, ये सब शांति से जीवन चल रहा था, फिर भी क्यों क्यों अपनी अपने ज्ञान की नुमाइश क्यों करना इस तरीके से कि सबको पता लग जाए कि यार तुम बहुत खतरनाक हो। खैर जो भी है, मेटलर्जी को देखिए। तो अब मेटलर्जी जैसे आयरन की मेटलर्जी है, तो आयरन की मेटलर्जी में जो रिएक्शंस आते हैं, अच्छा एग्जाम में तो रिएक्शंस पूछे जाते हैं, और वो रिएक्शन अगर वहां नहीं भी आएंगे तो डी ब्लॉक में तो आएंगे ही सही, तो पूछे जा सकते हैं। हो सकता है दो चार पिग आयरन वगैरह ना पूछें, ब्लास्ट फर्नेस ना पूछें, पर आयरन मोस्टली जो केमिकल रिएक्शन आते हैं वो तो पूछे जा सकते हैं। तो स्लैग फॉर्मेशन का रिएक्शन है, जैसे आयरन का रिडक्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ आयरन के ऑक्साइड्स का, वो आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तो इसलिए मेटलर्जी में जो हार्डकोर मेटलर्जी वाला पोर्शन है जिसमें ओर्स की चर्चा है जो कि बहुत जरा सी होती है, वो हट गया, लेकिन जो मेन चीजें थी रिएक्शंस के वो नहीं आएंगे। अब आ ही सकते हैं, कौन रोकेगा उन्हें ना। तो आधी अधूरी मेटलर्जी, पूरी की पूरी हाइड्रोजन एस ब्लॉक और पूरी स्टेट्स ऑफ मैटर एक तरह से आपके पास अभी भी है सिलेबस में, इस भ्रम में मत रहिएगा कि वो नहीं है। पिछले साल मैथ्स में से इन्होंने SOT हटाया था, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, बच्चे बड़े खुश हुए, SOT हटा दिया, SOT हटा दिया। हमने यहाँ पे कहा कि भैया कुछ नहीं हटाए, काम आता ही है। ऑल दो बहुत ज्ञानी लोग ज्ञान बांट रहे थे उधर यूट्यूब पर, कह रहे हो तो हट गया, क्या करेंगे, बड़ा चैप्टर छोड़ दिया, टंडा खड़ा। दो क्वेश्चन आए थे SOT के, हमने वॉर्न किया था हमारे मैथ्स वाले लोगों ने यहीं पे यूट्यूब पर ही कि छोड़ना मत, कर लेना। अच्छा ये क्या है? एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, पॉलीमर्स और सरफेस केमिस्ट्री, ये चार ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको हम मिस नहीं करेंगे। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ तो वास्तव में एक नरक था, एक बहुत ही घटिया चैप्टर था जिसमें शुद्ध अंधे घिनौने रट्टे के अलावा कुछ भी नहीं था। पॉलीमर भी ऐसा ही था और ये सरफेस भी, पूरी तो नहीं लेकिन कुछ अंश उसका वैसा था। एनवायरमेंटल भी ऐसी थी, हटा दिया, अच्छा किया। मैं तो कहता हूँ बढ़िया कायदे में एनवायरमेंटल केमिस्ट्री बहुत सरल थी, रखते थोड़ा सा
उससे लोग सेंसिटिव बनते हैं एनवायरमेंट के प्रति, पर उसकी चिंता किसको है फिलहाल, है ना। तो होना चाहिए था बच्चों को सेंसिटाइज करने के हिसाब से ये चैप्टर पढ़ा दिया, उनकी इच्छा है। ये तो कूड़े थे, हटने चाहिए थे, बहुत पहले होने नहीं चाहिए थे, हटा दिए, बड़ा अच्छा किया, कुछ अच्छा भी काम किया, ऐसा नहीं सारा बुरा ही किया है। लेकिन सॉलिड स्टेट जैसा चैप्टर हटा दिया आपने, अच्छा आपको सॉलिड स्टेट बहुत पसंद है, इट इज नॉट कि मुझे पसंद है, मुझे तो सारे चैप्टर पसंद है, लेकिन सॉलिड स्टेट में जो 3D विजुअलाइजेशन होता है वो दिमाग खोलता है। केमिस्ट्री में एक तो बहुत सॉलिड, फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे शानदार चैप्टर था सॉलिड स्टेट, अगर आप ढंग से उसको पढ़ना चाहें तो। जेई के टारगेट्स में है कि आप बच्चों का 3D विजुअलाइजेशन चेक करना चाहते हैं। जेई के जो स्टेटेड एम है कि एनालिटिकल एबिलिटी, नॉलेज, और क्या चेक करते हैं, 3D विजुअलाइजेशन, जो कि इंजीनियरिंग में बहुत चाहिए होता है। सबसे बेहतरीन 3D विजुअलाइजेशन चेक होता है, अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री में देखो तो सॉलिड स्टेट में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखो स्टीरियोआइसोमरिज्म में। कुछ साल पहले इन्होंने ऑर्गेनिक से स्टीरियो निकाल दी, अब इन्होंने फिजिकल से सॉलिड स्टेट निकाल दी। हो चुकी है घाट पर पूरी व्यवस्था, शौक से डूबे जिसे भी डूबना है। बाद में कहेंगे कि IITs का लेवल कम हो रहा है, या NITs में उतने अच्छे बच्चे नहीं आ रहे, जब हम खुद घर में आग लगा रहे हैं, और फिर कहें अरे ये तो जल गया, तो जला क्यों रहे हो यार, क्यों कर रहे हो ऊटपटांग काम। फिर आप हो सकता है कहें कि ये तो कूड़े चैप्टर हटा के अच्छा किया, हाँ किया, मना नहीं कर रहा, पर पाप और पुण्य के बैलेंस में पाप अधिक किया पुण्य कम। सरफेस केमिस्ट्री बहुत ईजी चैप्टर था, इसमें चाहते तो कंसेप्चुअल पोर्शन तो रख ही सकते थे, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हटा दिया तो उससे ऐसा नहीं कि अपने बहुत सारे फंडे गोल हो जाएंगे। पर स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड स्टेट, ये हटाने योग्य चैप्टर थे नहीं। हाँ, अगर सॉलिड स्टेट हटा दिया है तो क्या इससे दूसरे चैप्टर्स में फर्क पड़ेगा? नहीं। तो क्या अगर इससे क्वेश्चन नहीं आएंगे तो उसको छोड़ दें? छोड़ दीजिए बिल्कुल। अगर वास्तव में इन्होंने डिलीट कर ही दिया है तो ऑफकोर्स इनको छोड़ दीजिए, स्टेट्स ऑफ मैटर आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि उसके बगैर आगे क्वेश्चंस नहीं होंगे। हाइड्रोजन, एस ब्लॉक और मेटलर्जी भी धोखे से पूछी जा सकती है, पूछी जाएगी, तो ये तो आपको कर लेना है, और बाकी तो गए गए गए, जाने दीजिए। हमारा क्रैश कोर्स शुरू हो रहा है, आप चाहें तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अदरवाइज बातें तो हम कर ही रहे हैं, आइए गप्पे मारिए। हमारे ऐप को डाउनलोड करना मत भूलिए, लाइक सब्सक्राइब और शेयरिंग तो वैसे भी बनती ही है। ऑल द बेस्ट, हैव फन।